नमस्कार, ब्रह्म कुमारी इसके फेसबुक और यूट्यूब प्रोग्राम्स पर ये हमारी विशेष प्रस्तुति है। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। इस कार्यक्रम को करने के बहुत सारे उद्देश्य हैं, मगर सबसे आसान तरीका ये है कि हम हाइपरटेंशन को बेहतर तरीके से समझें। आखिर विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाने की वजह क्या है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर मोहित हैं, जो प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं जीबी पंत हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। पहले करूंगा कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने की वजह क्या है, क्यों हम मनाते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को? देखिए, एक स्पेशल डे जो इसको अलॉट किया गया है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो हर चौथा मरीज जो है वो हाइपरटेंशन है। 20-25% हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस ग्लोबली है, और इसी के साथ अगर हम इंडिया में देखेंगे तो हाइपरटेंशन की प्रेवलेंस इज ऑलमोस्ट 30%। दैट मींस हर तीसरा मरीज जो है वो हाइपरटेंशन है, डिटेक्टेड है या अनडिटेक्टेड। चलिए, हाइपरटेंशन है वो तो एक बात है, लेकिन हम ये देखें कि वर्ल्ड के नंबर वन किलर डिजीजेस के अंदर जो आती हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं, वो हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां, यानी ब्रेन अटैक जैसी बीमारियां होती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हाइपरटेंशन उनका सबसे नंबर वन कंट्रीब्यूटर है। हर चौथा स्ट्रोक का मरीज जो अपनी जान गंवा बैठता है या उसको स्ट्रोक होता है, उसके पीछे हाइपरटेंशन कारण है। इसी प्रकार ऑलमोस्ट हर 1/3 या 1/4 पेशेंट ऑफ हार्ट अटैक जो है, उसके पीछे हाइपरटेंशन एक मेजर कॉज होता है। तो इसलिए आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये बहुत ज़रूरी समझा कि इस पर्टिकुलर बीमारी की अवेयरनेस के लिए, इसकी जानकारी के लिए, जागरूकता लोगों में लाने के लिए इसको एक स्पेसिफिक डे देना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो इसकी प्रेवलेंस इंक्रीज होती जाती है, इसलिए बहुत आवश्यक है हम आज इस दिन पर वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाएं और अपने मन में और समस्त विश्व में इसकी जागरूकता को भी हम लोग पैदा करें। जब हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ये बीमारी है क्या? क्या अपने आप में एक बीमारी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि हमें तो पता भी नहीं था कि हमको बीपी है, कोई बीमारी है भी। देखिए, हाइपरटेंशन जो है, जैसे वर्ड ही बताता है कि आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, हाइपर हो जाना। और पहले देखा जाता था कि ये ब्लड फ्लो तो इम्पॉर्टेंट है, टेंशन थोड़ी होनी भी चाहिए आर्टरीज के अंदर, तभी वो ब्लड फ्लो मेंटेन होता है। लेकिन जब ये ब्लड प्रेशर एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर जाने लगता है, जैसे 120/80 जो हम सबको एक नॉर्मल रीडिंग मालूम है, और आप भी जानते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन इससे ऊपर जब 120 से 129 तक आता है, फिर 130 से लेके 139 तक आता है, और फिर 140 से ऊपर चला जाता है, ये तीन स्टेजेस है, नॉर्मल, हाई नॉर्मल, स्टेज वन और स्टेज टू हाइपरटेंशन है। इसका होते ही जो इसका नॉर्मल कार्य है, इसके बाद ये हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर प्रभाव डालने लगता है। दैट्स अ वेरी वेरी मेजर चैलेंज। और जैसे ही ये ब्लड प्रेशर स्टेज रूप में आगे बढ़ता है, स्लोली बढ़ता है, तो लोग अडेप्ट कर जाते हैं, कहते हैं भाई हमें पता नहीं लगता। अब ये स्लोली और साइलेंटली बढ़ना ही कई बार हमारे शरीर के लिए बहुत बहुत नुकसानकारक हो जाता है। और जब ये चीज धीरे 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 बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो क्या होगा, ज्यादा ब्लड प्रेशर हमारे शरीर के हर ऑर्गन पर कहीं ना कहीं बहुत गहरा प्रभाव डालना आरंभ कर देता है। इसलिए इसकी जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइपरटेंशन जब हम कहते हैं, लोगों को नहीं पता है, तो ये हमें जागरूकता होनी चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हर व्यक्ति का एक पर्टिकुलर नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। इससे ऊपर अगर है तो आपको सोचने की, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जरूरत है, और इससे ऊपर अगर और जाता है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर से कंसल्ट करके ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। और यही नहीं, जब हम अपना ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली बढ़ता है, तो आप ध्यान से देखिए, अब ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज होकर कहाँ जाएगा? सबसे पहले तो हमारे हार्ट पर ही प्रभाव डालेगा, हार्ट की जो थिकनिंग है वो हो जाएगी, क्योंकि उसी हार्ट को उतना प्रेशर जनरेट करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अब वो ज़्यादा काम करेगा तो क्या होगा, वो थिक होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, उसका एफर्ट होगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी, और धीरे धीरे वो फेल हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण बन जाता है हार्ट पर पावरफुल इफेक्ट करने का। और यही ब्लड प्रेशर जब बहुत तेज़ी से हमारी किडनीज की तरफ जाएगा, तो किडनीज को भी ये डैमेज करता है, रीनल फेलियर का भी एक कॉज बन जाता है। और अक्सर जो हमारे कई लोग होते हैं, बुजुर्ग, जो आंखों की ज्योति को खो बैठते हैं, ये हमारी आईज पर भी एक गहरा प्रभाव डालता है, रेटिनोपैथी कॉज करता है, कहीं ना कहीं हैमरेज कॉज कर देता है। इसी के साथ हमारी पेरिफेरल आर्टरीज हैं, जो पाँव में चलने वाली आर्टरीज हैं, जो रक्तचाप वहाँ पर मेंटेन करती है, उसके अंदर भी ब्लॉकेजेस को ये कॉज करता है। तो हर ऑर्गन को ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकता है। एक जैसा नहीं, हर व्यक्ति में अलग होगा,
ब्लड प्रेशर की लेवल पर भी डिपेंड करेगा और ड्यूरेशन पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन समझदारी क्या कहती है कि अगर हमको ये बातें मालूम है, डरने की जरूरत नहीं, हमको ज्ञात है, तो हम क्या करेंगे, हम जागरूक हो जाएंगे और इसको राइट समय पर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे लगभग। जब आप ये बात कहते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि अच्छा चलो इस चीज के बारे में हमें समझने की जरूरत है। आपने ये भी बताया कि रक्तचाप, जैसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो हर एक इंसान में होता है, नॉर्मल लिमिट होता है, और उससे ज्यादा होता है तो हमें जांच करवाने की जरूरत है। आज ये इतना बड़ा कंसर्न क्यों है, एक विश्वव्यापक स्तर पर हम इसे मना रहे हैं, और भारत में क्या स्टैट्स कहता है कि कितने लोग इसके मरीज हैं और क्यों हमें चिंता करने की जरूरत है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए मैं आपको तीन चार बातें बताता हूँ और सभी लोग इन बातों को ध्यान से सुने और अपने आप ही निष्कर्ष निकाले कि हमें चिंता करने की जरूरत है या बिल्कुल चिंता करने की जरूरत। जब हमें पता है कि हाइपरटेंशन कहीं ना कहीं हमारे शरीर के हर ऑर्गन पर भी प्रहार कर रहा है, इसके साथ अनेकों अनेक बीमारियों को और नुकसान कराने में वो कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, यानी बाईस्टैंडर की तरह उनको हेल्प भी कर रहा है, एक पावरफुल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, टॉप 5 लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंदर भी आता है। आज भारत के अंदर हर तीसरा या चौथा व्यक्ति जो है वो डिटेक्टेड या अनडिटेक्टेड हाइपरटेंसिव है, यानी आपको पता भी नहीं होगा लेकिन अगर आप ब्लड प्रेशर चेक कराएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि हर तीसरा चौथा व्यक्ति जो है वो ब्लड प्रेशर की बीमारी से सफर कर रहा है। अब यहीं पर गाड़ी नहीं रुकती, इसी के साथ अगर हम देखते हैं कि जो लोग हाइपरटेंशन डिटेक्ट हो जाते हैं, यानी उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी पकड़ में आ जाती है, केवल 8% लोगों को प्रॉपर कंट्रोल हम लोग अचीव कर पाते हैं। यानी 100 मरीज अगर डिटेक्ट हुए, पहले तो डिटेक्ट ही बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन वो डिटेक्ट कम होते हुए भी उनमें से केवल 8% को ही प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाता है, यानी बाकी 92% लोग कहाँ जाएंगे, आप देखिए वो अनडिटेक्टेड होकर कहीं ना कहीं हमारे कितना उनके शरीर को, उनके बॉडी को नुकसान हो सकता है। तीसरी बात आप देखिए, जो लोग जिनको हाइपरटेंशन है, इंडिया में पर्टिकुलरली 50% लोगों को जागरूकता ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो हाइपरटेंसिव है। जैसे आपने शुरू में क्या बताया कि डॉक्टर साहब हमको पता ही नहीं लगता, क्यों? क्योंकि स्लोली जब ये बढ़ता है तो लोग इस प्रेशर से कई बारी अडेप्ट कर जाते हैं, उनको महसूस ही नहीं होगा, कई बारी हल्का सा सर दर्द होगा, कभी छोटी सी बात होगी, वो कहेंगे कुछ नहीं ऐसे ही हो रहा होगा, लेकिन वो समय होता है जब हमको जागरूक रहना चाहिए, हमको चेक कराना चाहिए। इसी के साथ भारतवर्ष में पहले देखा जाता था कि अर्बन एरियाज हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, और रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण एरिया हैं, वहाँ पर ये ब्लड प्रेशर कम है। लेकिन रिसेंटली जो हमारे पास सर्वेज आए हैं उसमें दिखाया जा रहा है कि रूरल और अर्बन, ग्रामीण लोगों के अंदर और नॉर्मल लोगों के अंदर, जो अर्बन एरियाज हैं उनके अंदर भी ये ब्लड प्रेशर एक सिग्निफिकेंट लेवल पर, सेम लेवल पर कैच कर रहा है। और पांचवी बात जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारतवर्ष में हाइपरटेंशन की बीमारी एक दशक पहले पाई जा रही है, यानी 35 से 45 वर्ष के जो हमारे नवयुवक हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनके अंदर ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ती जा रही है। ये हमें कॉमनली देखने में मिलता है और इसका कारण बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनका लाइफस्टाइल, उनकी जीवन शैली इतनी खराब हो चुकी है। तो अब इन सब बातों को जब हम एक परिप्रेक्ष्य में डालकर देखें, एक पिक्चर की तरह अपने सामने लगाकर देखें, तो आपको क्या लगता है, ये तो एक नेचुरल चिंता का विषय है, क्योंकि ये हमारा भविष्य है, और अगर हम इस समय पर इसके प्रति जागरूक नहीं होते हैं, इसको हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो हम नेचुरली कॉम्प्लिकेशंस को इनवाइट कर रहे हैं और लॉन्ग स्टैंडिंग सिचुएशन में ये बहुत 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 नुकसान हमको करेगा। दोस्तों अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, डॉक्टर मोहित गुप्ता हमारे साथ हैं, आपके मन में भी कुछ भ्रांतियां होंगी या हो सकता है आप कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या कोई प्रश्न ही पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में फेसबुक पर और यूट्यूब पर, जहां पर भी आप देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वहां पर आप लिख सकते हैं और कमेंट सेक्शन से हम प्रश्न स्क्रीन पर लेंगे। यूट्यूब से हमारे साथ एक दोस्त जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब, और वो सवाल पूछते हैं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, प्लीज बताइए, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मुझे कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, ऐसा ये लिखते हैं। अक्सर ये भी देखा जाता है कि जो हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, अक्सर लोगों को ये बता रहे हैं उनको तो बीपी है भाई, उनको तो गुस्सा आना स्वाभाविक है, और बहुत बार हम मजाक में भी ये कहते हैं हमेशा बीपी चढ़ा हुआ ही रहता है इसका, तो ये क्या संबंध है कि हम कैसा बिहेव करते हैं, क्या ये गुस्से की वजह से बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ने की वजह से गुस्सा आता है, क्या है इसके पीछे? देखिए बीपी बढ़ने की वजह से गुस्सा तो नहीं, लेकिन गुस्सा होने की वजह से बीपी जरूर बढ़ जाएगा, ये तो नेचुरल सी बात है। हाइपरटेंशन ये हमारी मानसिक मनोस्थिति से बहुत क्लियरली रिलेटेड है।
पांच छह रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम सबको ज्ञात होना चाहिए, और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आज के समय पर उभर कर आ रहा है, इसके बारे में अभी इंडिया में एक स्टडी भी हुई थी जिसमें उन्होंने 6-7 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को लिया और वहाँ के लोगों को जब उन्होंने एनालाइज किया तो ब्लड प्रेशर की जो परसेंटेज है, जो वहाँ पे प्रेवलेंस है, वो सिग्निफिकेंटली हाई थी ऐसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यंग लोगों में। कारण उनका था डेडलाइंस, टारगेट्स को मीट करना, संबंधों के अंदर तनाव, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, छोटी छोटी बातों पर हमारी एक्सेप्टेंस एक दूसरे के प्रति नहीं है, तो क्या होगा, क्रोध आएगा, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी। और तीसरा देखा जाता है कि जब उनके प्रति रश लाइफ जो है, उनकी लाइफ जो है एक इमरजेंसी मोड पर हम लीड करते हैं। वैसे तो आज पूरा विश्व ही इमरजेंसी मोड पर चल रहा है क्योंकि हर व्यक्ति की मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, एंग्जाइटी 90-95% लोगों में मिलती है। इसलिए ऐसे समय पर ये जो हमारे थॉट प्रोसेसेस है, ये हमारे सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और नेचुरली ब्लड प्रेशर लोगों में बढ़ जाता है। तभी आप देखेंगे कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करेगा, कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में होगा, उसका ब्लड प्रेशर नापेंगे तो बहुत बढ़ा हुआ होगा। इसलिए इसका बहुत संबंध है। और ध्यान रखिए कि अगर आप प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन है, आपको कोई बीमारी पहले से ही हाइपरटेंशन की है, ऐसे समय पर अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ऐसी मनोस्थिति को बिल्ड करना ये आपके हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के लिए प्रेसिपिटेट कर सकता है। इसलिए शांत ठीक है, सब चीज़ें हैं, परिस्थितियां हैं, नेगेटिव हैं, मेरे अनुसार नहीं है, लेकिन मेरा अति क्रोध करना या मेरा अति रिएक्ट करना उस परिस्थिति के प्रति, वो कहीं ना कहीं थोड़ा मेरे ब्लड प्रेशर, मेरी फिजिकल बॉडी पर भी एक बहुत पावरफुल इफेक्ट डालता है। ये हाई बीपी का कारण जो स्ट्रेस की वजह से होता है, ये चीजें आपने बताई, और ये हमारे बहुत सारे युवा साथी धीरे धीरे इस चीज को देख रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न है दोस्तों, मैं बहुत स्पेसिफिक भी आप कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं उन प्रश्नों को नहीं ले पाऊंगा क्योंकि जो सभी लोगों के लिए फिट हो सके ऐसे प्रश्नों को मैं इंक्लूड करूंगा जो सभी के लिए एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सके। हरिओम यादव जी हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, वो कहते हैं बीपी इज 120/80 एंड पल्स बिलो 60, What's the preventative measure? ऐसा ये पूछते हैं। प्रिवेंटिव क्यों देंगे, आप खुश रहिए, बिल्कुल परफेक्ट है, आपको कोई चिंता वाली बात नहीं। देखिए हमें हर एक बात ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर के बारे में बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप सवेरे दोपहर शाम मशीन उठाएं और अपने ब्लड प्रेशर को नापने लगे या आप खोजने लगे कि कहीं ना कहीं आपको ब्लड प्रेशर ना हो जाए। आज का इस संवाद का जो बेसिक पर्पज है वो ये है जागरूकता। आप एक पर्टिकुलर उम्र में एक लाइफ के अंदर आके अपनी ब्लड प्रेशर की रीडिंग हर व्यक्ति को मालूम होनी चाहिए, और अगर वो ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं है तो उसको रोज ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, 100% आवश्यकता नहीं है, और जो है भी उनको एक पर्टिकुलर पैटर्न में लेनी है। लेकिन इसके लिए बहुत आवश्यकता है कि आप कुछ कुछ समय पर अपनी रीडिंग्स को मेजर करते रहें। अगर 120/80 है तो क्या प्रिवेंटिव मेजर लेंगे, लोअर लाइफस्टाइल अच्छा लीड करिए, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके भी कुछ कारण होते हैं ब्लड प्रेशर के, इसके भी कुछ टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, जो हम सबको आज के समय में हमारे जीवन में जागरूकता हमको होनी चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए। जैसे आप ये कह रहे थे कि क्या प्रकार होते हैं, क्या इसके अलग अलग ब्रॉड क्लासिफिकेशन, उसके बारे में कुछ बताएं ताकि हम समझें इस चीज को। देखिए जो ब्लड प्रेशर है वो 90-95% केसेस में वो एसेंशियल हाइपरटेंशन कही जाती है, यानी वो फैमिलियल हाइपरटेंशन होती है जो फैमिलीज में जनरली रन करती है, उसका कोई कारण नहीं होता, वो इडियोपैथिक होती है, और जनरली वो फैमिलीज में रन करती है तो उसके लिए हमें केवल मॉनिटर करना होता है, और मॉनिटर करके सही समय पर अगर वो ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एक स्टेज रूप पे हम उसको अप्रोच करते हैं, कैसे अप्रोच करना है वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 5% लोग हैं, बच्चे हैं, बाकी बुजुर्ग हैं, उनके अंदर अलग अलग प्रकार के कारण होते हैं, और कई लोगों के अंदर वो ट्रीटेबल भी होते हैं, जैसे थायराइड की बीमारियां ब्लड प्रेशर कर सकती हैं, डायबिटीज ब्लड प्रेशर कर सकती है, इसी प्रकार से हमारे एड्रिनल्स हैं वो ब्लड प्रेशर कर सकते हैं, कभी कभी हमारी रीनल आर्टरीज हैं, किडनी की जो आर्टरी सप्लाई करती हैं, उनके अंदर कुछ ब्लॉकेज आने के कारण ब्लड प्रेशर हो सकती है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज होते हैं जिनको हम सेकेंडरी कॉजेज कहते हैं, और अगर हम उनका ट्रीट कर देते हैं उनको, तो उनके ट्रीटमेंट के द्वारा हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। इसी प्रकार बच्चों के अंदर अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं जिनका अगर प्रॉपर तरीके से इलाज दिया जाए, समय पर इलाज दिया जाए, तो उस ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण पाया जा सकता है। स्पेशली जो हमारे यंग लोग होते हैं, नवयुवक होते हैं, अगर उनके अंदर फैमिली कोई पर्टिकुलर हिस्ट्री नहीं है तो कुछ कारणों को हमें सर्च करना चाहिए, कुछ पैनल्स हैं, कुछ टेस्ट हैं जो आज के इस संवाद से बाहर हैं, लेकिन उसके लिए आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। और जब भी आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल दवाइयों से कंट्रोल नहीं आ रहा,
आपके गुर्दे, आपके अलग अलग ऑर्गन्स पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई असर डाल रहा है, आंखों पर असर डाल रहा है। वो समय है कि आपको सुपर स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके, डॉक्टर को कंसल्ट करके, उसका सही समय पर प्रॉपर तरीके से टारगेट करके इलाज कराना चाहिए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, हमको जब नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी, तो हम इसको यूज़ कर पाएंगे। जी बिल्कुल, हमारे दोस्त विजय जी थे जो फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं, और उन्होंने यही बात पूछी भी थी कि क्या ये बीमारी फैमिली में आती है, जेनेटिकली आपको मिलती है। एक और सवाल है जो हमारे दोस्त पूछते हैं, यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, कहते हैं कि उनकी हाई बीपी रहती है, तो क्या मैं ब्रिस्क वॉकिंग कर सकता हूँ, सम एक्सरसाइज करें बट हैवी कार्डियो नहीं करें, क्या किया जाना चाहिए, ये पूछते हैं। देखिए 160/100 एक हाई रीडिंग है, उसमें कोई भी दो राय नहीं। आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके, प्रॉपर मेडिसिन को ट्राइटेट करके इस रीडिंग को हमें कम लाना चाहिए, पहली चीज़ ये है। दूसरा, जो हमारे लाइफस्टाइल मेजर्स हैं, उन लाइफस्टाइल मेजर्स को हमें ज़रूर लेना चाहिए। अब आप अपने लाइफस्टाइल मेजर्स को अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं। देखिए, आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं रोज़, आप ब्रिस्क वॉकिंग करिए। अगर आप जॉगिंग भी करना चाहते हैं तो आप मॉडरेट जॉगिंग या माइल्ड आराम से आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कार्डियो भी कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगी। हर 1 किलो रिडक्शन अगर आप करते हैं बॉडी वजन का, तो आपका ब्लड प्रेशर 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम हो जाता है। डेली जब आप वॉकिंग 35-40 मिनट्स करते हैं, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कंसिस्टेंटली 3-5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कम कर देता है। इसी के साथ एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन प्रश्न आज हमारे सामने आता है, जो हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे, वो ये है कि ये ब्लड प्रेशर हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, हम इसको क्यों बोलते हैं, मतलब क्या इसका कारण है, और कुछ बातें इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके पीछे जो कारण देखा गया है कि जो लोग अधिकतर ज़्यादा नमक लेते हैं, ज़्यादा नमक मतलब नॉर्मल लिमिट से भी ज़्यादा, 5 ग्राम या 2.5 ग्राम से ज़्यादा नमक अगर हम रोज़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल मरीजों में भी और हाइपरटेंसिव मरीजों में भी बहुत नुकसान पहुँचाएगा। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ज़्यादा नमक का जो कंजम्पशन है हमारी लाइफ में, जैसे अचार है, पापड़ है, तली हुई चीज़ें हैं, टिंड जूसेस हैं, टिंड फ्रूट्स हैं, और हम सलाद हैं, सलाद ड्रेसिंग्स हैं, चटनियाँ हैं, तो ऐसी चीज़ों को जब हम लेते हैं तो इनके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और एक्स्ट्रा सॉल्ट कंजम्पशन एक इम्पॉर्टेंट कारण है जो हमारे ब्लड प्रेशर के लिए होता है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट कारण देखा गया है, वो एक्सट्रीमली हाई फैटी डाइट खाना। कई लोगों को आदत है कि घी और तेल बहुत ज़्यादा लेना है। देखिए, सब कुछ ग्रहण करिए लेकिन संयम के साथ लीजिए, उसको आराम से लीजिए, जितनी ज़रूरत है, जितना आप इंजॉय कर सकते हैं वो लीजिए। लेकिन अधिकतर सवेरे दोपहर और शाम ऑयली खाना खाना, सैचुरेटेड फैट्स को लेना, वनस्पति घी उसको लेना, परांठे उसके अंदर तले हुए परांठे या इस तरह की चीज़ों को हम ग्रहण करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हाइपरटेंशन के लिए एक रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। तीसरा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का बहुत कम उपयोग करना। कई लोग कहते हैं जी हम फ्रूट्स नहीं खाते या हम वेजिटेबल्स नहीं खाते, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके जीवन में। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए एक पावरफुल तरीका जो है वो है इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल्स और फ्रूट रोज सवेरे दोपहर और शाम पॉसिबल है। जैसे हम अपनी जीवन शैली में मॉर्निंग में उठते हैं तो एक फ्रूट का प्लेटर तैयार होता है, आफ्टरनून के अंदर सलाद का प्लेटर तैयार होता है। खाने के आधे घंटे पहले आपको फ्रूट्स और सलाद का प्लेटर ज़रूर खाना है। इसी तरह मॉर्निंग में भी जब आप खाते हैं तो फ्रूट्स और सलाद आप जरूर लीजिए, और रात को हल्का फ्रूट आप जरूर लीजिए। अगर आप ये करते हैं तो 5-6 मिलीमीटर मर्करी ब्लड प्रेशर जो है आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और चौथी चीज जो देखी गई है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। जैसे आप बता रहे थे एक्सरसाइज, तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते यानी वेट को वो बढ़ाते हैं, उनका बॉडी मास इंडेक्स धीरे धीरे बढ़ जाएगा, 25 से ऊपर आ जाएगा, 27-28-30 तक चला जाएगा, तो ब्लड प्रेशर और बढ़ने का एक मेजर कारण है वो है ओबेसिटी, हमारा मोटापा। तो मोटापा ग्रेजुअली बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। पांचवी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट देखी गई है वो है स्मोकिंग, और कई लोग अल्कोहल, ये चीज़ें कंज्यूम जब हम जितनी ज़्यादा करते हैं ये उतना हमको नुकसान करती है। स्मोकिंग, एल्कोहल ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको तुरंत छोड़ना चाहिए। एक्सेसिव स्मोकिंग करेंगे ये हमारे ब्लड प्रेशर, हमारे सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और ब्लड प्रेशर जो है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। और छठा बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो वो है, वो जिसके बारे में हमने बात की, वो है आज की हमारी जीवन शैली, हमारा तनाव, हमारा स्ट्रेस, साइकोसोशल स्ट्रेस है, हमारी सोच है,
हमारी ओवर थिंकिंग की कैपेसिटी है, हर चीज में हम लोग प्रोकेस्टिनेट करते हैं, क्योंकि आज डर, भय, चिंता और कल क्या होगा, अनसर्टेनिटी, ये फीलिंग्स के साथ हम जी रहे हैं, और ये चारों फीलिंग्स बहुत पावरफुल कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारे हाइपरटेंशन के लिए। तो इसलिए इसको प्रीडोमिनेंटली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के रूप में माना जाता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रही है ना इससे। और लाइफ केवल बाहर की लाइफ नहीं है श्रीनिधि भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइफस्टाइल हमारी सोच भी है, हमारी आत्मा का सोचने का, उसका बात करने का, उसका विचार करने का तरीका। इसीलिए भोजन को भी, जो फिजिकल है उसको, भोजन को भी वाइब्रेशंस देके हमें खाना है, जिसके बारे में हम डिस्कस करें। जी, कुछ प्रश्न हमारे दोस्तों ने पूछे, मैं उनको एक साथ क्लब करने की कोशिश करता हूँ। मोहिनी अग्रवाल जी हैं, वो प्रश्न पूछते हैं फेसबुक से, कहते हैं कि कभी तो ज्यादा होता है, कभी ठीक होता है, ऐसे में क्या करना चाहिए। और दूसरा एक प्रश्न है कि भाई हमें पता ही नहीं चलता है, ऐसा होता है कि ऊपर ज्यादा नीचे कम हो रहा है, और आपने कहा कि उसे मेजर करने की जरूरत है। एक और सवाल निखिल सूरी जी पूछते हैं, और इनका प्रश्न ये है कि इज इट पॉसिबल टू स्टॉप मेडिसिन, क्या ऐसा हो सकता है कि हमने बीपी पता चला कि हमें हाइपरटेंशन है और इसके लिए हम दवाई लेते हैं, और क्या ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट पे आके हम दवाई स्टॉप कर दें, पूरी तरीके से रिकवर हो सकते हैं। दो तीन लोगों के प्रश्न थे कि क्या पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। देखिए, पहला प्रश्न है कि ब्लड प्रेशर की वेरिएशन हर व्यक्ति में नॉर्मल पूरे दिन होती है। 120/80 का मतलब ये नहीं है कि आप सवेरे उठे 120/80, 10 बजे ले 120/80, या रात को ले तो भी 120/80। नॉर्मल वेरिएशन हर व्यक्ति में ब्लड प्रेशर की होने की जरूरी है और होनी भी चाहिए। ये आपके हेल्दी बॉडी को डिनोट करता है, ये जस्टिफाई करता है कि आपकी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे दिन जब आप एग्रेशन में होंगे, कभी कभी कहने का अर्थ है आप बिजी होंगे, अपने वर्क प्लेस पर होंगे, या कहीं आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होंगे, तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा। अब उस समय ब्लड प्रेशर 120 थोड़ी ना रहेगा, कभी वो लो भी चला जाएगा जब आप स्लीप पर होंगे, आप बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज में होंगे, मेडिटेटिव स्टेज में होंगे। तो ये वेरिएशंस नॉर्मल है, इनको हमें ट्रैक नहीं करना चाहिए। लेकिन एक्सेसिव वेरिएशंस जब होती हैं और लॉस ऑफ वेरिएशन होती है, तो हमारे लिए चिंता का विषय हो जाता है। तब हमको ब्लड प्रेशर को मेजर करके, अलग अलग प्रकार से होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये संभव है कि हम ब्लड प्रेशर की गोलियों को स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज में अगर हम अपने लाइफ स्टाइल्स के ऊपर प्रॉपर ध्यान दें, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ग्रॉसली अनकंट्रोल्ड है, 180/110 है, मेडिसन वो ले रहा है, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अगर अपनी जीवन शैली को चेंज करते हैं तो पॉसिबल होता है कि मेडिसन की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। और अगर कोई व्यक्ति जो इनिशियल हाइपरटेंसिव है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर उसका नहीं बढ़ा हुआ है, 130 है, 135 है, 40 है, और उसका वेट बहुत ज़्यादा है, उसको थायराइड है, वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है, अपने वेट को लूज़ करता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी रिक्वायरमेंट मेडिसिन की निल या समाप्त हो जाती है। लेकिन ये डिसीजन कम्प्लीटली डॉक्टर की गाइडेंस में होना चाहिए, ये सब सुपरवाइज होना चाहिए। हमारे पास बहुत बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको हम सबसे पहला स्टेप हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं। ये बहुत आवश्यक है, हर ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन का उसमें मेजर रोल होता है लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस का, तो लाइफस्टाइल को मेजर करना बहुत आवश्यक है। और तीसरी बात जो आपने पूछी कि जो वेरिएशन होती है, देखिए आज के समय में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइपरटेंशन की नई नई एंटिटीज भी आई हैं, और उन एंटिटीज में कई बार क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर घर पर तो नॉर्मल है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसको हम कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन, यानी जब व्यक्ति डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसका भी इलाज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। लेकिन इससे भी ज़्यादा नुकसानकारक जो होती है वो होती है मास्क्ड हाइपरटेंशन। वो मास्क्ड हाइपरटेंशन क्या है कि जब डॉक्टर के पास व्यक्ति आया तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, लेकिन घर पर जब उसका ब्लड प्रेशर नापा जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली हाई आता है। और ऐसी हाइपरटेंशन को अगर डॉक्टर नहीं डिटेक्ट करता है, वो जागरूक नहीं है, और मरीज भी इसके प्रति जागरूक नहीं है, तो ये धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर देती है। इसीलिए ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से होना आवश्यक है। ब्लड प्रेशर के इंस्ट्रूमेंट को चूज करना, उसका मेजर करने का तरीका, और उसके लिए नई नई मशीन्स आई हैं और स्पेशल टेक्निक्स भी हैं, जैसे 24 घंटे का जो ब्लड प्रेशर की मशीन होती है, सिंपल एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर है, जिसके द्वारा पूरे 24 घंटे का एक दिन का एनालिसिस ले सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। तो ये सिंपल टेक्निक्स आज हमारे पास अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, अगर हम इसका यथार्थ रूप से यूज करते हैं
तो ये हमको बहुत बेनिफिट देंगी और हम इस बीमारी को जल्दी डिटेक्ट करके इसके ऊपर प्रहार कर सकते हैं। इससे पहले कि हम डिटेक्शन के बारे में सोचें कि कैसे जांचें और इसके बारे में मैं अगले सवाल पे आऊंगा, एक हमारे दोस्त ने प्रश्न पूछा है। वो कहते हैं कि जैसे आप कह रहे थे कि हमारे शरीर के दूसरे अंगों पर इसका प्रभाव होता है, इसे ठीक अगर हम जांच लें पहले ही समय से पकड़ लें तो ठीक किया जा सकता है, मगर क्या असर क्या होता है, क्या ऑर्गन्स पे बीपी का असर होता है अगर हाइपरटेंशन हो जाता है तो? देखिए, ब्लड प्रेशर अगर आपका ज्यादा है, आपका सांस फूल रहा है, आपको अननेसेसरी थकावट लगेगी, सरदर्द, अनयूजुअल सरदर्द आपको होगा, बेचैनी होगी, सडनली किसी बुजुर्ग व्यक्ति में आपको दिखता है ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, ये एक चिंता का विषय बन जाता है। कभी कभी आपको चलने में दिक्कत है, आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज आई हुई है, तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं। लेकिन अर्लीस्ट जो होता है वो अनयूजुअल थकावट है, सरदर्द है, और कहीं ना कहीं हमें बेचैनी है, सांस फूलने लगता है, ये सिंबल्स हैं कि कहीं ना कहीं हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और इसके प्रति हमको जागरूक होना चाहिए। लेकिन हर थकावट को, हर सरदर्द को और हर सांस फूलने को हम ब्लड प्रेशर से कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आवश्यक है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद, 30 इयर्स प्लस अगर आप होते हैं, तो हर साल में, हर 6 महीने में एक बारी अपने ब्लड प्रेशर को चेक जरूर कराएं, उसको कराकर उस रीडिंग को नोट करें और उसको फॉलो अप करें। एक रूटीन रीडिंग जैसे आप डॉक्टर के पास जाकर लें या घर पर रीडिंग लें, उससे आपको आइडिया रहेगा, आप फॉलो अप कर सकते हैं कि भाई हमारे ब्लड प्रेशर के ट्रेंड्स किस प्रकार के हैं। दूसरी बात, जो लोग आप कह रहे हैं कि वे प्रिवेंटेटिव मेजर्स के हिसाब से लोग लाइफस्टाइल को बदलें, ध्यान रखें, हेल्थ चेक वगैरह करवाएं, ऐसे क्या चीजें हैं जो लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है? जैसे बीपी मेजर करते भी हैं व्यक्ति, अपने घर में मॉनिटर करने लगे हैं, तो क्या चीजें उनको ध्यान में रखने की जरूरत है, कैसे सही तरीके से इसे मॉनिटर किया जाना चाहिए? देखिए, ब्लड प्रेशर के आजकल होम मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर बहुत रिकमेंडेड है। पहले होता था कि केवल डॉक्टर के पास है, लेकिन होम मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर आप कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये एक कॉशियस गेम है। कई बार मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं तो दिन और रात अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हर रीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो ठीक नहीं। घर में आप ब्लड प्रेशर का एक कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट रखिए, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं, जो वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपके डॉक्टर उसको गाइड कर सकते हैं, ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट आप रख सकते हैं। दूसरा, जब भी आप ब्लड प्रेशर लें तो आपको ब्लड प्रेशर लेने से पहले ना कोई प्रकार की कॉफ़ी का कंजम्पशन, कोई भी प्रकार का जो स्मोकिंग है ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है, और दूसरा, बिल्कुल रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर होना चाहिए। कोई भी स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर, कोई भी तनावपूर्ण, 5 मिनट पहले अगर आप मोबाइल पर बात करते हुए ब्लड प्रेशर ले रहे हैं या टेलीविजन देखते हुए ब्लड प्रेशर ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा आपका ब्लड प्रेशर 5 से 10 मिलीमीटर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये सब साइंस है, इसमें हमारी ओपिनियन नहीं है, ये आप इसका फर्क खुद देख सकते हैं। तो जब भी आप ब्लड प्रेशर लें, ऐसा नहीं मैं काम कार्य कर रही थी या कर रहा था, फटाफट लिया ब्लड प्रेशर लेकर आ गए, नहीं। ब्लड प्रेशर लें, ब्लड प्रेशर लेकर शांति से बैठें 5 मिनट के लिए, कुर्सी पर बैठें, लेट कर ब्लड प्रेशर नहीं लेना है, स्ट्रेट बैठना है। आपकी बैक, जैसे मेरी बैक आप देख रहे हैं पीछे सपोर्टेड है, शरनिधि भाई की बैक सपोर्टेड है, ऐसे आपकी बैक सपोर्टेड होनी चाहिए। अनसपोर्टेड बैक भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। पांव जमीन पर लगे होने चाहिए, पांव क्रॉस नहीं होने चाहिए, ऐसे क्रॉस्ड पांव नहीं होने चाहिए। ये सिंपल मेजर्स हैं। अलर्ट होकर 5 मिनट शांति से, आराम से बैठे। आप जब ऐसा करेंगे तो आप अपने ब्लड प्रेशर को कह रहे हैं कि भाई नॉर्मल स्टेज पर आ जाओ, तो काफी चांसेस है आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम आ जाएगा। उसके बाद आप अपना हाथ टेबल पर रखकर ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट का कफ ले। अब वो कफ का भी जो साइज आता है वो हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट होता है। अगर आप एक बहुत छोटा और टाइट कफ ले लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर फॉल्स एलिवेटेड देगा, इसलिए स्टैंडर्ड कफ आप अपने उम्र के अकॉर्डिंग यूज करें जो आपके अटैचमेंट के साथ आता है। और इस कप को यूज करने के बाद आप एक पहली रीडिंग लें, पहली रीडिंग आपकी जो भी आती है उसको नोट करें, उसके बाद अगेन 1 मिनट का गैप दें इस एक्सरसाइज में, और 1 मिनट के गैप के बाद फिर एक और रीडिंग को आप रिपीट करें, और एक और रीडिंग को रिपीट करके दोनों का आप एवरेज करके वो आपका ब्लड प्रेशर बन जाएगा, वो आपके लिए एक्चुअल रीडिंग होगी। तो ये सिंपल मेजर्स हैं, तो अगर आप इन चीज़ों को करेंगे। और दूसरा, ब्लड प्रेशर मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में सेम समय पर लेना है आपको। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में 6-7 बजे ले लिया, उसके बाद अगले दिन 10 बजे लिया और कह रहे हैं डॉक्टर साहब फ़र्क है। रीडिंग्स फ़र्क आएंगी और होनी भी चाहिए। तो आपका जो बैलेंस है, जो आपका अप्रोच है, वो बड़ा
मेटिकुलस और प्रॉपर होना चाहिए और इसका एक चार्ट बना कर रखे। लेकिन अगेन मैं आपको कहूंगा, हर हेल्दी व्यक्ति को, हर स्वस्थ व्यक्ति को जिसकी रीडिंग रहती है, उसको ये करने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों की ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको भी बहुत स्ट्रिंजेंट और रोज कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो नए हाइपरटेंसिव्स हैं, जब तक उनकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग स्टेबल नहीं हो जाती, ऐसा मॉनिटरिंग करना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक और प्रश्न हमारे एक साथी पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर लो रहता है हमारा, और ये लो होना और हाई होना ये क्या है? कुछ लोग हाई बीपी के मरीज होते हैं, कुछ लोग लो बीपी के मरीज होते हैं, क्या दोनों के लिए अलग अलग चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं और आपको कोई भी बीमारी नहीं है, कोई और ऐसी पर्टिकुलर चीज नहीं है, तो लो बीपी जैसी कोई बीमारी नहीं होती है। ज्यादातर बल्कि स्टडीज में दिखाया है कि जिनका ब्लड प्रेशर रिलेटिवली एवरेज या लो रहता है, तो उनकी उम्र ज्यादा भी होती है, तो इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो किसी हार्ट की बीमारी के कारण लो है, जैसे हार्ट फैला हुआ है, दिल फैला हुआ है, या अलग अलग प्रकार की कोई और कंडीशंस जिससे आप सफ़र करते हैं, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसका प्रॉपर इलाज आप ज़रूर कराएं। लेकिन अदरवाइज इसकी चिंता करना, उसके लिए नमक खाते रहना, उसको बढ़ाने की कोशिश करना, इसकी आवश्यकता ज़्यादातर आपको नहीं है। जी, ये तो बहुत बार देखने को मिलता है, जिसकी लो बीपी की कंप्लेन होती है, लोग मतलब अदरवाइज भी बोलते रहे, तुम नमक खाओ, तुम हर चीज में मिलाओ एक्स्ट्रा, और ऐसे नॉर्मल नॉर्मल रहना बिल्कुल। कौन सी चीज जो मैं अक्सर देखता हूँ वो ये है कि टेबल सॉल्ट, कुछ लोगों को ये आदत सी बन जाती है कि भाई हर चीज में उनको ऊपर से नमक लेना है। फिर धीरे धीरे लोगों को जब ये बताया जाता है कि नहीं, ऊपर से नमक नहीं लेना चाहिए, तो लोगों को लगता है क्यों, इसमें क्या बुराई है, तो टेस्ट के लिए अच्छा हो रहा है, स्वाद अच्छा हो रहा है, कोई छाछ में मिला देता है, किसी को अगर लगता है कि थोड़ा भी नमक कम है किसी चीज में तो एक्स्ट्रा लेते हैं, तो क्या ये ठीक बात है? अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज नहीं है और नॉर्मल तरीके से आप नमक को कंज्यूम करते हैं, तो कभी कभी आपको छाछ में किसी चीज पर नमक की आवश्यकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर चीज में आपको नमक चाहिए, हर चीज के ऊपर अगर आपको चाहिए, सलाद ड्रेसिंग्स में भी चाहिए, आपको सलाद के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर भी चाहिए, या नॉर्मल से ज्यादा खाना, ये आपके लिए नुकसान करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नमक के ऊपर आप जरूर कंट्रोल करें। और ज्यादातर आजकल कई मार्केटिंग फैंसीज आती हैं कि अलग अलग प्रकार के लो सोडियम सॉल्ट, तो ऐसी चीजों के पीछे आप ना भागें, आप नॉर्मल नमक खाएं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हम काला नमक ले लेते हैं, हम इस प्रकार का नमक ले लेते हैं, ये बहुत हमारे जो पुरानी प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को सही माना जा सकता है, लेकिन साइंस में जब इनके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो हर प्रकार का नमक हमको सेम प्रकार का इफेक्ट देता है। ये बात मैं आपको आज क्लियर स्पष्ट बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छी तरीके से मैंने स्टडी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कोई पर्टिकुलर सॉल्ट आपको कोई स्पेसिफिक बेनिफिट नहीं देगा, कोई न्यूट्रिशनल, कोई मिनरल एक्स्ट्रा आ सकता है आपके पास, लेकिन एक्स्ट्रा सॉल्ट का कंजम्पशन किसी भी रूप से आप कम करें, इसको अवॉइड करें, इसको मिनिमलिस्टिक रखें, ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है लॉन्ग स्टैंडिंग अप्रोच के अंदर। जैसे डाइट के बारे में आपने बताया और लाइफस्टाइल के बारे में बताया, खासकर उन दोस्तों के लिए जैसे किसी के घर में ये फैमिली हिस्ट्री है, दोनों पेरेंट्स हाइपरटेंसिव है, मम्मी पापा दोनों बीपी की दवाइयां खाते हैं, ऐसे में युवा साथी जो उनके घर में हैं, उनको किस बात का ध्यान रखना है, स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति क्या करना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये हमारी प्रिवेंटिव अवेयरनेस के अंदर आता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर पर माता पिता या कोई व्यक्ति जो है वो ऑलरेडी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो ऑलरेडी आपने अपने अंदर जागरूकता ले आया, आपने क्या किया कि भाई पॉसिबिलिटी है कि ये चीज कहीं मुझे आगे ना आ जाए। अब जब ये चीज आ सकती है, तो यही सही समय है जब आपने सोचा कि आप अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने लगे। और उस लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए, सबसे पहले आपको ईयरली अपनी मॉनिटरिंग जरूर करनी है ब्लड प्रेशर की। ये बहुत बहुत आवश्यक है कि किसी भी प्रकार से कोई भी चीज आपको नुकसान ना करे। तो इसलिए इस मॉनिटरिंग को करते हुए आप अपने ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को प्रॉपर लें और किसी भी प्रकार से उसका एक चार्ट बनाकर उसको फॉलो करते रहें। दूसरी चीज, आपको डेली एक्सरसाइज जरूर करनी है, 35 to 40 minutes हर मरीज को, चाहे वो ब्लड प्रेशर का मरीज है, चाहे वो नहीं है, नॉर्मल है, प्रिवेंटिव रूप से जब आप एक्सरसाइज करते हैं, मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा, करीब 3 to 5 millimeter मर्करी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तीसरी चीज़, वेजिटेबल्स का कंजम्पशन, हरी वेजिटेबल्स का कंजम्पशन है, इसी प्रकार फ्रूट्स का कंजम्पशन है जो हमने अभी डिस्कस किया, उसको आपको बढ़ाना है।
चौथी चीज जो आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है वो है घी और तेल का उपयोग संयम से करना है, उसको कम करना है। आप खाइए, लेकिन जब आपको पता है कि हम ऑलरेडी एक रिस्क फैक्टर लेकर चल रहे हैं, फैमिलियल हिस्ट्री जो कि मॉडिफाइबल नहीं है वो लेकर चल रहे हैं, तो ऐसे समय पर हमको ये प्रिवेंटिव मेजर्स जरूर रखने हैं। तो ऐसी ऐसी चीजों का जब हम ध्यान रखते हैं, स्मोकिंग कोई भी ऐसी चीज है, शुगर का बिल्कुल संयम में रखना, कंट्रोल रखना। कहीं पर भी डायबिटीज आती है तो डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये चोली दामन का साथ है इसका। तो डायबिटीज जब होगी तो वो ऑटोमेटिकली हाइपरटेंशन को ग्रेजुअली इंक्रीज करती चली जाएगी, वो हार्ट फेलियर को भी इंक्रीज करती चली जाएगी। इसलिए आपको अवेयर रहना है कि हर रिस्क फैक्टर को मैं कितना मिनिमाइज करूं। कोई भी चीज है, वेट ज्यादा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको अपने एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि 2001 में जब मैं अमेरिका से आया था, मेरा वेट 96 केजीज था, और उस 96 केजीज वेट में मेरे को हाइपरटेंशन बॉर्डरलाइन थी, थायराइड बढ़ गया था मेरा, और साथ में बॉर्डरलाइन डायबिटीज भी आ गई थी। और अल्टीमेटली मेरे को जब किसी ने बोला कि भाई डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर जैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, तो केवल 6 महीने के अंदर मैंने किसी भी जिम को कभी ज्वाइन नहीं किया, मैंने कोई स्पेसिफिक फूड पैटर्न्स नहीं फॉलो किए, अलग प्रकार की डाइट्स आती हैं उसको मैंने कभी फॉलो नहीं किया, लेकिन घर के अंदर ही जो अवेलेबल डाइट है उसको मॉडिफाई करता गया और रोज प्रॉपर एक्सरसाइज करना आरंभ किया। जुलाई से लेके फरवरी 9th तक हमने जब ये एक्सरसाइज की, 24 किलो वजन कम किया, डायबिटीज गायब, हाइपरटेंशन गायब, लिवर के अंदर जितने एंजाइम्स थे बढ़े हुए वो नॉर्मल, लिपिड लेवल नॉर्मल, परफेक्ट सब कुछ। तो ये लाइफस्टाइल का इतना पावरफुल रोल है। दैट इज वाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप अर्ली हाइपरटेंसिव हैं, यानी आपका ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर 130 तक जाता है, 130 से 135 140 तक भी जाता है, ये समय है जब हम लाइफस्टाइल मेजर्स को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। ये हमको बहुत बहुत बेनिफिट देगा। मेरे पास इमेंस नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं, जो लोग मल्टीपल ड्रग्स को ले रहे थे, इम्प्रॉपर तरीके से ले रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी जीवन शैली को, अपने आप को मोटिवेट करके यूज किया और उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर को इनिशियली कंट्रोल करके नाउ दे आर ऑफ मेडिसिन। इसलिए जरूरी है कि हम प्रॉपर टारगेट करें, स्टेज्ड अप्रोच रखें, प्रॉपर अप्रोच रखें, यानी लाइफस्टाइल, सेकंड स्टेज में फिर मोर लाइफस्टाइल गवर्न करते हुए, और थर्ड स्टेज में हम लोग दवाइयों को प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग ऐड करते जाएं। आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही, डायबिटीज भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार होते हैं, और आपने कहा कि ये अगर आपके पास डायबिटीज है तो फिर आप हाइपरटेंशन का असर भी उस पर धीरे धीरे देखने को मिलता है, और ऐसे में लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है, और ये लाइफस्टाइल डिसीजेस हार्ट डिसीज को आगे बढ़ाती हैं, तो इसके लिए हमें ये चीजें करनी है। पहले तो आप अपने भोजन पे ध्यान दें, फिर सेकंड स्टेप पे आप अपने एक्सरसाइजेस पे ध्यान दें, हर दिन आपका फिजिकल वर्क क्या है वो देखें, और तीसरा आप क्या सोचते हैं इसका असर होता है, आपने ये चीज बताई थी। अमिताभ वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हैं और वो यूट्यूब से ये प्रश्न पूछते हैं, कैन मेडिटेशन हेल्प इन क्यूरिंग हाई बीपी? देखिए, हम कोई भी चीज को जब यूज करते हैं तो हम एब्सोल्यूट बेनिफिट पे कभी नहीं जाएंगे, तो हम ये कहेंगे कि मेडिटेशन कैन हेल्प यू टू क्योर बीपी, ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट हो जाता है। मैं आपको इस तरह जरूर बोलूंगा कि मेडिटेशन इज अ ब्यूटिफुल एडजंक्ट टू अदर थेरेपीज। यानी जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आपका ऑलरेडी जो हाइपर स्टिमुलेटेड सिस्टम है, जो बहुत पावरफुल सिस्टम है, उसको आप शांत कर रहे हैं, यू आर कूलिंग इट ऑफ। तभी जब हम अपने मन को बिल्कुल शांत, अपने मन को बिल्कुल संकल्पों को विराम देते हैं, मेडिटेशन में क्या होगा, मेडिटेशन में तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और उस चीज को आप समझिएगा। मेडिटेशन है अपने मन को आराम देना, अपनी आत्मा को आराम देना। जो भी चीज लगातार कार्य करेगी वो कभी ना कभी थकेगी, चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे आपकी मशीन हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो इसी प्रकार हमारे जो संकल्प है, हमारी जो आत्मा है जो लगातार कार्य कर रही है, सोच रही है बचपन से लेकर अभी तक, मेडिटेशन में हम कहते हैं कि भाई तू कम सोच। अर्थात जब परमात्मा के साथ संबंध होता है तो हमारे विचारों के संकल्पों के नंबर कम हो जाते हैं, दूसरा संकल्पों की गति भी कम हो जाती है। तो संकल्पों का नंबर कम, संकल्पों की गति कम, तो ये दोनों होने के बाद संकल्पों की क्वालिटी क्या होगी, वो बहुत पावरफुल और शक्तिशाली हो जाती है। तो जब ये शक्तियां हमारे पास आती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा बाहर के हर समाज के प्रति जो हमारा रिएक्शन होता है वो रेस्पॉन्स में परिवर्तित हो जाता है, वो एक सोची समझी इनेट पीसफुल और शांत रूप से धैर्यता, पेशेंस के द्वारा हमारे जीवन में एक संयमता आ जाती है। इसलिए मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है हमारे जीवन में, हमारे ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली कंट्रोल करने के लिए।
अगर आप इसको लाइफस्टाइल प्रणाली का एक पार्ट बनाते हैं तो ये एक पावरफुल मेथड है, और इसके द्वारा हमारे पास स्टडीज हैं जिसमें दिखाया गया कि हमको कभी कभी डबल डिजिट रिडक्शन भी मेडिटेशन के द्वारा मिल सकती है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि मेडिटेशन को हम क्योर के रूप में नहीं देखें, इसके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं सोचें, बट इसका कितना बड़ा रोल है इस चीज को समझकर उसे अपनाने की जरूरत है। और जैसे हम कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आपका सोचना भी आपके डिसीजंस के लिए इन्फ्लुएंस करता है, और क्या चीज हम सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। डॉक्टर साहब, मैं कुछ दोस्तों से ये बात कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने बहुत सारी सवाल पूछे हैं, उन सारे प्रश्नों को मैं स्पेसिफिकली नहीं यूज कर सकता, इसलिए मैं उन प्रश्नों को थोड़ा रूप बदल कर समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास लगभग 5 मिनट का वक्त और बाकी है। इस दौरान अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, अगर आपको कुछ कहना चाहते हैं, अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे कार्यक्रम और भी आगे आपके लिए ले आया जाए। कोविड के समय पर ये चीज देखने को मिल रही है कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं। उसके लिए वजह भी है कि भाई लोग घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है। ऐसे में जिन लोगों को एग्जिस्टिंग डिसीजेस है, जैसे हाइपरटेंशन है, लोग कुछ ऐसे हमारे पुराने वरिष्ठ नागरिक हैं जो बस महीने में एक बार उनको डॉक्टर के पास जाना है, वहीं बीपी चेक करानी है, ये सब कुछ ऐसी आदत थी, मगर ऐसे समय पर जब वक्त बदल रहा है और चैलेंजिंग टाइम्स है, ऐसे में एग्जिस्टिंग डिसीजेस हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों के बारे में हमें क्या जागरूकता रखनी चाहिए? दो बातें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि कोविड अगर आपको असर नहीं डाला या आप उससे ग्रसित नहीं हुए तो नॉर्मल रूप से अपनी मेडिसिन को आप लेते रहे, ये बहुत आवश्यक है। बिल्कुल भी मेडिसिन को आपको छोड़ना नहीं है अंटिल अनलेस कोई पर्टिकुलर सिम्टम आता है, कोई बात आती है। कई मेडिसिन के बीच में थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी आई थी कि ये मेडिसिन हम ले सकते हैं नहीं ले सकते, वो सब अब आज एड्रेस हो चुकी हैं। इसलिए जो भी ट्रीटमेंट पर आप अभी स्टेबल हैं, मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप कोविड से रिकवर हो रहे हैं तो काफी पॉसिबिलिटी है कि कोविड की बीमारी जो है वो आपके ब्लड प्रेशर की वैल्यूज पर एक असर डालती है, कभी ऊपर लाती है कभी नीचे लाती है। ऐसे समय पर आवश्यक हो जाता है कि हम अपनी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स को रोज एक या दो बारी कम से कम हम मेजर करें। ये कॉमन इफेक्ट है, आप ध्यान से समझिएगा कि कोविड का हार्ट के धड़कन पर और इसी प्रकार ब्लड प्रेशर पर अलग अलग प्रकार की वेरिएशंस देखने को आ रही हैं, और ये ऐसे मरीज हमारे पास रोज आ रहे हैं। इसलिए इन लोगों को हम बड़ी केयरफुली इनके पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, और उन ऑब्जर्व पैटर्न्स को उन वैल्यूज के द्वारा हम लोग डिसीजन लेते हैं कि इनको कितनी मेडिसिन की जरूरत है, उतनी ही चाहिए, उससे कम करना है या उससे ज्यादा करना है। हमारे पास कई ऐसे भी मरीज हैं जिनको हमें अभी मेडिसिन हटानी पड़ी है, क्यों? क्योंकि उस कोविड की बीमारी के दौरान इनका ब्लड प्रेशर कम आया हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये संपूर्ण सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपकी मॉनिटरिंग जारी रहेगी और जैसे आप रिकवर करेंगे पॉसिबिलिटी है कि वो वापस उसी फिजियोलॉजी पर आ जाएगा। इसलिए दो चीजें, अगर आप स्टेबल हैं, कोविड का असर नहीं हुआ है, आप मेडिसिन लेते रहें, और अगर आपको असर है तो मॉनिटरिंग करते हुए डॉक्टर के कंसल्ट में रहते हुए अपनी दवाइयों के साथ छेड़खानी करें। और दोस्तों, एक बहुत पावरफुल संदेश मैं जो आपको देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी आप सब लोगों से विनती है कि अगर आप गोलियां लेते हैं और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है तो बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया था इसलिए मैंने गोलियां छोड़ दी। प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा। इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे ये संदेश पावरफुल है आपके लिए, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है आपकी गोलियों के कारण, और सडनली गोलियों के साथ कोई भी छेड़खानी करना, कोई भी खिलवाड़ करना, ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि ये सडनली आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा, आपको हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक या कोई भी ऐसी इवेंट प्रेसिपिटेट हो सकता है। इसलिए इस बीमारी को जितना हम साइलेंट रूप से देखते हैं, साधारण रूप से देखते हैं, दोस्तों ये उतनी साधारण नहीं है, इसका बहुत पावरफुल इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। इसलिए समझकर, केयरफुल होकर, अवेयर रहते हुए, कॉशियस रहते हुए हमको आगे चलना है। जी बिल्कुल, हमारे एक साथी राजेश अरोरा जी हैं जो YouTube से कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं, उन्होंने इसी बात का प्रश्न पूछा। वो कहते हैं कि वो बीपी की दवाई लेते थे, बीपी का टैबलेट लेते थे और पिछले 10 सालों से ले रहे हैं 5 mg, पर कोविड के बाद उनका बीपी बहुत ही नॉर्मल लग रहा है उनको, तो इसलिए मैंने टैबलेट अभी बंद किया है। और जैसे आपने ये कहा कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों में ये चीज देखने को आ सकती है, मगर फॉलो अप करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
किसी भी चीज को आप इग्नोर नहीं करें। ऐसे ही कुछ सिमिलर प्रश्न हमारे दोस्तों ने पूछे थे। मैं समझता हूँ आप सभी के प्रश्नों के लिए ये उत्तर मिले हैं और कोशिश हमारी यही रही है कि इस छोटे से कार्यक्रम में आप किन चीजों का ध्यान रखें, किन चीजों को आज से करना शुरू करें। लाइफस्टाइल के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी चीजें बताई है कि लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से शुरुआत होती है। अगर वहां हम चीजों को ठीक कर देते हैं तो बहुत सारी चीजें हम ठीक करने लग जाते हैं। तो इसके लिए इन चीजों का ध्यान रखें, अपनी जांच पड़ताल पे आप ढीले नहीं बने। दवाइयां नॉर्मल हो रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ खा रहे हैं और दवाइयां भी खा रहे हैं। खाने पर भी ध्यान दें, दवाइयां लें, अपना चेकअप कराते रहें। घर में भी आप कर सकते हैं, उसके सही तरीके क्या हैं आज कार्यक्रम में हमने सुना और बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ फीडबैक्स भी लिखे हैं। उन सारे फीडबैक्स को हम नहीं पढ़ पाएंगे बट स्क्रीन पर ये फीडबैक्स जरूर शेयर किए जाएंगे। डॉक्टर साहब जाते जाते मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि चार पाँच पॉइंट्स हम कुछ ऐसे समअप कर लें कि आज इस हाइपरटेंसिव डे पे ये चीज़ें हमें करनी है, तो सभी के लिए एक पासिंग टिप्स रहेंगे। देखिए आज के समय में आपको चार संदेश लेने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है आपके पास आज सबसे पावरफुल टूल है, वो अवेयरनेस है। इंस्ट्रूमेंट सिंपल है, एक्सेसिबल है, हर एक के लिए अफोर्डेबल है। आप आराम से अपने ब्लड प्रेशर को चेक जरूर कराएं। ये जागरूकता पहला कदम है इस बीमारी के ऊपर विजय प्राप्त करने का। अगर हम जागरूक हैं तो जैसे ही हमको लगता है कि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट है और हमने इसको मेजर करके हमको लगता है कि हमको हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस मिलता है, वही समय है। और नहीं भी मिलता है तो भी सेकंड है कि हम अपने जीवन में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को लाएं। क्या हमको कोई नुकसान तो देंगी नहीं, ये हमको बेनिफिट दे सकती है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये पाँच बातें, प्रॉपर उचित भोजन, प्रॉपर आराम करना, वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत आवश्यक है, डाइट्स को प्रॉपरली चेंज करना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रहण करना, घी और तेल का उपयोग कम से कम करना, एक्स्ट्रा एडेड सॉल्ट्स को कम से कम उपयोग करना, और चौथी चीज है कि रोज शांत मेडिटेट करना, कम से कम 5 से 10 मिनट अपने मन को विराम देना, ये बहुत आवश्यक है। तो ये हमारे लाइफस्टाइल मेजर हुए। थर्ड इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको लगता है कि ये अनकंट्रोल्ड जा रहा है, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, अपनी ब्लड की इन्वेस्टिगेशन साल में एक बारी करा के अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ब्लड प्रेशर के मरीजों में देखना कि कहीं कोई टारगेट ऑर्गन डैमेज, कहीं कोई ऐसी हमारे किसी गुर्दे पर या कहीं और आंखों पर कोई असर तो नहीं हो रहा है। इसलिए इस ऐसा करके हम अपनी बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। और लास्ट बात है, जो चीज आप समझ जाते हैं वो सबको जरूर फैलाएं। ये अवेयरनेस केवल एक व्यक्ति या एक प्रोग्राम के द्वारा नहीं होगी, ये अवेयरनेस तब होगी जब हम सब मिलकर करेंगे। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना ये हम सबका इंडिविजुअल एफर्ट ही नहीं, हम सबका कलेक्टिव एफर्ट है और कर्तव्य भी है, और तभी हम इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहित। मैं समझता हूँ दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, हम सबको बहुत सारी जानकारियां मिली हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं जिनके उत्तर मिले हैं। कुछ लोग कोविड रिलेटेड प्रश्न भी पूछ रहे थे और उसके लिए डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया है कि भले कोविड से आपके बीपी में परिवर्तन आ रहा है बट डॉक्टर से आप फॉलो अप जरूर करवाएं, इस चीज को इग्नोर नहीं करें। तो डॉक्टर से फोन पे भी आप और एप्स के दौरान भी लोग, बहुत सारे लोग डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन हैं, तो आप कंसल्ट करना ना भूलें। और जो पॉइंट्स अभी अभी हमने सुने हैं, कुछ चीजें जो हम सभी कर सकते हैं वो सब हम करें और करना शुरू करें। और ये एक मौका है, लॉकडाउन भी है तो बहुत सारे लोग अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए टाइम नहीं होने की वजह देते थे, मगर वो सब कुछ आज हमारे हाथ में है। तो ये कोशिशें करें और इन मुश्किल वक्त को हम एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे प्रयास से फ्रूटफुल बनाएं। और आज आप सब लोगों ने जो प्रश्न पूछे उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, और डॉक्टर मोहित गुप्ता जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने सुंदर उत्तर दिए और टू द पॉइंट सभी लोगों को समझ में आ सके ऐसी बातें सभी को आज शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रह्मा कुमारी इसके सौजन्य से आज ये कार्यक्रम आप सभी के लिए एक छोटी सी पहल थी ताकि हम ऐसे समय पर भी अपने सभी का स्वास्थ्य जो है उस पर हम अटेंशन दें, ध्यान दें, अपना ख्याल रखें और दूसरों का ख्याल भी रखें। आपके कुछ फीडबैक्स हैं वो सब कुछ हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, सब कुछ हम नहीं पढ़ पाएंगे मगर फिर कुछ ना कुछ कार्यक्रमों में हम आपसे मिलते रहेंगे और ज्यादा मुलाकातें करते रहेंगे। आज आप सभी हमारे साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहित कि आज आप समय निकाल लिया। थैंक यू, नमस्कार, ओम शांति, शुभ रात्रि।